आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जय भीम सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे है कि भगवान शिव जी की माता जी का उत्पत्ति कैसे हुई थी? अच्छा जी, वो कैसे उत्पत्त भई जी? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कहता रहता हूँ आप लोगों से कि ये सारी चीज पर बात बल्कि न करें तो अच्छा है। बहरहाल आपने पूछ दिया तो एक सीधा सा सवाल मेरा है जी। और अरे यार, माता जी की उत्पत्ति क्या माटी ढेला से हुई है? जैसे सबकी माता जी होंगी वैसे उनकी भी माता जी हैं जी, लेकिन जो अब ग्रंथों में लिखा हुआ है जी, उसकी कहानी अलग ही मिलती है जी। अभी वो बात को खोलूंगा जी, तो माताओं को ठेस लगेगी जी जी, क्योंकि प्रवचन में ये लोग कहते हैं जी, कि इन्होंने पैदा किया और पैदा करके फिर कह कि आओ मेरे साथ संभोग करो। ये कौन सी देवता थे, वो कौन सी माता थी जी? लेकिन भूगोल की दृष्टि पर चलते हैं तो मनुष्य की उत्पत्ति का कारण कुछ और ही मिलता है जी। इनका ग्रंथ ये बताता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी माता आयात शक्ति जब यहां आई जी, तो कौन सा कलमकार था उस समय कि उनकी सारी चीजों को लेकर के ग्रंथों में लिख रहा था? भारत के जितने ग्रंथ बने हैं 5000 साल के अंदर के ही हैं जी, लेकिन 8 लाख साल पुरानी बात को कैसे जाने? तो मैं तो भैया वो गोबर नहीं हूं जी, कि जो कहता चले मैं वो मानता चलूं जी। मैं तो जो देखता हूं, जिस पर अध्ययन करता हूं, जिस पर तर्क करता हूं, जो सिद्ध बैठता है, मैं सिर्फ उसको मानता जी। ये सवाल भगवान शिव को पूजने वाले, भगवान शिव को मानने वाले से मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि भगवान शिव अगर शूद्र, आपने कहा जी, कि क्या शूद्र थे जी, तो शूद्र तो हो नहीं सकते जी, क्योंकि ब्रह्मा के भाई थे जी, और उनके एक भाई विष्णु थे जी, तीन भाई थे जी। उनकी माता को की तो बात छोड़िए, मैं तो इन्हीं लोगों में कंफ्यूज हूं कि ये तीन भाई थे जी, एक भाई को एक मुड़ी चार हाथ जी, एक भाई को चार हाथ और मुड़ी चार, और एक भाई काला कलूटा, दो हाथ है एक मुड़ी है, और जिन्हें कहा गया तीनों लोक के मालिक जी, भगवान शिव ठीक है, अच्छी बात है, तीनों लोक के मालिक हैं, सभी लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं जी, कि तीनों लोक के मालिक अगर भगवान शिव हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं पहचान पाए कि मेरा बच्चा है, उसका गर्दन काटते, जो मांगता है भगवान शिव उनको सब कुछ देते हैं, लेकिन भगवान शिव अपने घर में खुद केवाड़ी नहीं लगवा पाए, सबको राज संपत्ति भगवान शिव ने दे दिया, लेकिन अपना पूरा जीवन पहाड़ियों में ही उन्होंने गुजारा। सर ये तो त्याग है ना, ये तो त्याग है ना? अच्छा, ये त्याग है जी भगवान शिव का जी। अच्छा, तो जब भगवान शिव त्याग कर रहे थे तो लोगों को संपत्ति कहां से लेके बांट रहे थे जी? संपत्ति तो वही देता है जैसे कोई राजा महाराजा हो, उसके घर में सोना चांदी इत्यादि सब भरा हो जी, उठा करके किसी को दे दे जी। अब यहाँ लोग कहते हैं कि अरे वो भगवान शिव की सारी लीलाएं थी जी,
माता पार्वती ने कहा कि हमारे रहने के लिए घर नहीं है, जाड़ा में ठहरते हैं, बारिश में भीगते हैं, गर्मी में जलते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं कि हमारे भाग्य में घर है ही नहीं है। इसका मतलब कि भगवान शिव से भी बड़ा कोई था जो भाग्य लिखता था जी। इस चीज को ग्रंथों में बताया गया, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हमारे भाग्य में घर है ही नहीं है जी। तो पार्वती ने कहा कि भाग्य तो कर्मों से बनती है प्रभु जी। आप घर बनवाइए, देखते हैं कि क्यों नहीं भाग्य में है। तो क्या बनवाए? सोने का मकान बनवाए जी। भगवान शिव सोने का मकान बनवाए, आओ भी कहां बनवाए जानते हैं? मछली के कांट पर जी। ग्रंथ की बात बता रहा हूं जी। मछली के कांट पर समुद्र में उन्होंने सोने का महल बनवा दिया जी। तब पार्वती जी कहली कि तनि बोलौता एक होम जाप हो जा जी। तो रावण को बुलाए होम जाप कराने के लिए जी। रावण महाराज होम जाप किए और उसके बाद उन्होंने भवन मांग लिया। जब ये कहे कि कुछ दक्षिणा तो कल घर हुआ चाहिए हमके, कहना जा भैया ले जा, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है जी। कि तनी हजार साल पहले भगवान शिव थे, रावण थे, राम थे जी। लेकिन सोने की खोज आज से 4000 साल पहले हुई भारत में जी। 4000 साल पहले अगर सोने की खोज हुई, अभी हमसे एक पंडित जी बता रहे थे कि 8 लाख साल पहले लंका बना था, तो 8 लाख साल पहले अगर लंका बना सोने का और सोने की खोज भारत में 4000 साल पहले हुई, तो 8 लाख साल पहले कैसे लंका बनल? सर बना होगा मगर उन लोग नहीं मालूम रहा होगा कि ये सोने का है। यार तो क्यों लिखा गया कि सोने का भवन है जी, ये क्यों नहीं लिख दिया कि लोहे का भवन है, इसी पीतल का भवन है? इस युग में पता चला होगा मैंने, इस युग में पता चला होगा कि वो सोने का है। अच्छा कहा जाता है, अच्छा पकड़ रहे हो बाबू। देखो सत्य को कितना हूँ झूठ ला दोगे ना जी, सत्य उस झूठ से दबने वाला नहीं है जी। पता चला होगा, पता रहा होगा, ऐसा हुआ होगा, हुआ होगा को हम नहीं जानते हैं जी। हुआ क्या है हमको सिर्फ वो जानते हैं हम, और उसी पर हमारा विचारधारा वहीं तक निहित होती है। अब कोई हुआ रहा होगा तो हुआ रहा होगा तो उसको हम क्यों माने? जिसे मानना है वो माने जी। भाई हम तो नहीं मानेंगे जी। और अपने समाज को सचेत कर रहे हैं जी सर। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।